जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जी भैया जी, हाँ जी प्रभु जी, मैं से बोल रहा हूँ सर, वो अपन को एक्स्ट्रा जैसे बैग वैग ले जाए तो बस में रखने की सुविधा है क्या? बिल्कुल है सर, कमाल कर दिया। आप कौन से प्लान में? बी प्लान में ना? सी वाले में? सी में, हाँ बिल्कुल, बी और सी वालों को पूरी सुविधा है। बी वालों की बसें खा पापी चली जाएंगी, हमारी तो बसें परमानेंट वहाँ रहेगी, आप जितने मर्जी बैग ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कल वो ट्रेन कितने बजे अपनी दिल्ली से? कल ट्रेन कितने बजे दिल्ली से? मेरे ख्याल से 8:30 कुछ की, 8:40 की शाम को है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, उसी में हमारा भी टिकट। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी आया ना, ताकि आपकी कैब वगैरह में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। बाकी आधार कार्ड की वो फोटोकॉपी तो लानी है? आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेके आना, क्योंकि अभी आज हमारा एक ग्रुप गया है, उसमें 2-3 चीजें बहुत चेंज होगी, तो कोई गाइडलाइन दी नहीं अभी तक ना FRA टेक की। और आधार कार्ड, मेरी बात सुनिए ध्यान से ना, एक आधार कार्ड अपना लेके आइएगा, परमिट अपना जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है? और एक अपना वोटर आईडी हो तो वो, या फिर आपका जो पैन कार्ड होता है वो, इस टाइप का आईडी प्रूफ एक दो लेके आइएगा। पता क्यों? आज पहला जत्था गया जो हमारा वाला, तो उनको उधमपुर में रोक लिया, और उनको नहीं कम से कम 50-60 गाड़ियों को रोक लिया वहाँ पे, और बता रहे हैं कुछ ना सिक्योरिटी को लेके बड़ा काफी चेंजेस हो रहे हैं। तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, किसी को पता नहीं है। अभी उनकी गाड़ियां छोड़ी हैं बड़ी मुश्किल से, तो फिर आगे जाके जो चंद्रकूट है, रामबाण, वहां रोक रहे हैं, तो कुछ पता नहीं है। लेकिन आईडी प्रूफ सभी लेके आइएगा अपने अपने हिसाब से ना, ठीक है? और अपना वो लेके आइएगा, फिर जहां भी जैसे भी हुआ, जैसे भी गाइडलाइन होंगी, क्योंकि अब की बार बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है, मीडिया को मना कर दिया है न्यूज देने के लिए, क्योंकि और सेफ्टी बहुत ज्यादा कर दी है, तो हर चीज एट ए टाइम पता चलेगी कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे क्या करना है। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।